समाजवादी पार्टी के पांच नेताओं को, पांच कार्यकर्ताओं को पार्टी से क्यों निकाला गया, आखिर क्या हुआ था जिस वजह से उनको निकाला गया, आप जरा यह समझने की कोशिश कीजिए क्या यह साजिश की सियासत है। पीएम मोदी की रैली थी 28 तारीख को, आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन किया कानपुर में, हम सबको मालूम है वो तस्वीर आपने TV9 पर देखी। लेकिन यह तस्वीर देखिए, हमीरपुर रोड की घटना जहां पर एक ऑल्टो कार जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का बैनर लगा हुआ है, उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लाल टोपी पहने कार्यकर्ता घेरे हुए हैं और उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ, इसको लेकर अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही साजिश थी जो कि पीएम मोदी की रैली से में हिंसा भड़काना चाहते थे, उस इलाके में दंगा भड़काना चाहते थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रभावित हो, चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। ये देखिए, ये है वो वायरल वीडियो, ये आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया, कार के शीशे पर पत्थरबाजी की गई, आपको पत्थरबाजी करते हुए वो लोग दिखेंगे जिनको गिरफ्तार किया गया है इस वायरल वीडियो में। और क्या है आप देखिए, इसके अलावा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग जो लाल टोपी पहने हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसी लाल टोपी को तो कहते हैं बीजेपी वाले कि लाल टोपी मतलब खतरा। अब ये बात करेंगे अभी आप समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट से। इसके अलावा अभी देखिए, कार के शीशे तोड़ दिए गए, ये ऑल्टो कार जिसके शीशे तोड़ दिए गए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अंकुर पटेल की कार है, ये खुद पुलिस ने खुलासा किया है। आइए मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में आपको ये बताता हूँ। मेरे साथ इस पर देखिए बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊं, अपराजिता सारंगी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, दीपक सिंह हैं कांग्रेस के MLC हैं, अभिषेक सोम हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शारदा प्रसाद हैं पूर्व IPS अधिकारी हैं, और राहुल देव सर हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अभिषेक सोम, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आप लोगों ने पांच नेताओं को अपनी पार्टी से निकाला है, यानी आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत किया। देखिए गौरव जी, जो कानपुर में जो घटना घटी है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र है। ये लोग समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़े थे पर भारतीय जनता पार्टी के किसी पद के प्रलोभन की वजह से ये भाजपा में, पता नहीं इनको कौन से पद का लालच दिया गया, किस पैसे का लालच दिया गया और इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हम तो कहते हैं आज प्रशासन इन पर कार्रवाई करे, निष्पक्षता से जाँच करे, इसके पीछे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर इसकी जांच होगी तो आप आपको बिल्कुल ये सही बात है, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही रोल इसमें शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है और समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई क्यों की, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को पार्टी से क्यों निकाला, उसके पीछे का आधार क्या है? देखिए गौरव जी, जब कोई कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी से जुड़कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र रचेगा तो उसके लिए पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये खुलासा हुआ, ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, ये पार्टी के अंदर रहते हुए भीतर घात कर रहे थे, ये तो एक विभीषण का तो काम कर चीज, रहे थे। ये चीज, और पार्टी ने अभिषेक जी, ये चीज आपकी पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है आज, पार्टी से राजेंद्र चौधरी जो आपके मुख्य प्रवक्ता है उनके सिग्नेचर से जो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें तो ये चीज कहीं मेंशन नहीं है। जो मेरे पास प्रेस रिलीज है, जो हम सबके पास प्रेस रिलीज समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, इसमें तो साफ कहा गया है कि इस घटना में तथाकथित संलिप्तता के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसमें तो कहा ही नहीं गया कि बीजेपी के इसके साथ इनकी मिलीभगत थी। इसमें तो आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं कि बीजेपी के साथ मिलकर ये साजिश रची गई। आपने तो 5 लाइन की जो प्रेस रिलीज जारी की है उससे साफ लगता है कि आप लोगों को लगा कि मामला खराब हो रहा है, कहीं पार्टी की और भद ना पिट जाए, इसलिए जल्दी से इनसे अपना नाता तोड़ो। अपराजिता जी, क्यों नहीं पर इसमें बीजेपी का नाम है? अभिषेक सोम जी की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हम सबका मनोरंजन किया। क्या हास्यास्पद वक्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का कार्य किया। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी बेहद घबराई हुई है, आतंकित है, भयभीत है, जानती है कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है, हार निश्चित है और वो दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कानपुर रैली में भगदड़ मचाने की मंशा को लेकर एक सोचे समझे षड्यंत्र को, मुझे लगता है
यथार्थ का जामा पहनाया गया और उसे धरातल पर उतारा गया। तो ये कह देना कि पांच लोगों को हमने बर्खास्त किया और बाकी लोग दूध के धुले हुए हैं और ये पांच लोग ही जिम्मेवार हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। सोची समझी साजिश थी कि ठीक जब उनकी उनका भाषण शुरू हो, उनकी रैली शुरू हो, उसके पहले ऑल्टो कार पर इस तरह का काम हो, आक्रमण किया जाए और वो फिर वीडियो वायरल किया जाए, हमारे लोग उत्तेजित हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मी उस वीडियो को अभिषेक सोम जवाब दीजिए, अभिषेक सोम जवाब दीजिए उसके बाद मैं आपसे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मतलब आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री की रैली में दंगा हो, प्रधानमंत्री की रैली के समय कानपुर में माहौल खराब हो जाए? देखिए, दंगाइयों की तो इनकी सरकार है। अभी कल का इनका एक प्रकरण है, नंद किशोर गुर्जर जी जो इस तरह का लोनी के अंदर एक दंगा कराना चाहते थे, एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को डरा धमका कर प्रदेश छोड़ने की धमकी दे रहे थे, तो दंगाइयों की तो इनकी सरकार है साहब। और आप देख लीजिए, जितने भी दंगाई थे उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, राज्य में मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह दी, विधायक बनाया, और तो और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बना दिया, उनके मुकदमे को इस तरीके से उनके ऊपर इन्होंने एनकाउंटर नहीं किया, जो पुलिस की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, कि इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाती है। यानी आप ये कह रहे हैं अभिषेक जी समय कम है, मैं जो दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई कर सकते हैं? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।